स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने उद्धव ठाकरे का हिंदू विरोधी चेहरा बेनकाब किया है। उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा है कि शराब की दुकानें खुल सकती हैं तो मंदिर क्यों नहीं। उद्धव ठाकरे को अन्ना हजारे ने चेतावनी दी है, कहा है कि मंदिर खोले जाए वरना वो अपना आंदोलन शुरू करेंगे। तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मंदिर खोलने में इतना एतराज क्यों है, ये सवाल हर किसी के जहन में है। उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार के नेताओं का कहना है कि कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर मंदिरों को नहीं खोला जा सकता, लेकिन इसको लेकर अब बीजेपी और सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने उद्धव ठाकरे सरकार को चेतावनी दे दी है। उन्होंने महाराष्ट्र में मंदिरों को फिर से नहीं खोलने के महाराष्ट्र सरकार के रुख पर सवाल उठाए हैं और मांग की है कि मंदिरों को खोला जाए। साथ ही अन्ना हजारे ने कहा है कि अगर मंदिरों पर से प्रतिबंध हटाने के लिए आंदोलन देश में किया जाता है, महाराष्ट्र में किया जाता है, तो वो उसका समर्थन करेंगे। आपको बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दरअसल ठाकरे सरकार जो लगातार ये कह रही है कि कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर मंदिरों को नहीं खोला जा सकता, इसको लेकर उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार पर पलटवार किया है और ये सवाल उठाए हैं कि आखिर क्यों नहीं खोला जा सकता जब महाराष्ट्र में शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं और शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग सकती हैं, तो आखिर मंदिर खोलने में क्या दिक्कत है। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में लगातार ये मांग की जा रही है कि मंदिरों को खोला जाए और इसी सिलसिले में अहमदनगर के मंदिर बचाओ कृति समिति के सदस्यों ने टालेगंज सिद्धी में अन्ना हजारे से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार मंदिर क्यों नहीं खोल रही है, लोगों के लिए मंदिर खोलने में राज्य सरकार को आखिर क्या खतरा दिखाई देता है, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया। कहा गया कि अगर कोविड कारण है तो फिर शराब की दुकानों के बाहर ये लंबी कतारें आखिर क्यों लगी हुई हैं। और अन्ना हजारे से मुलाकात के बाद अन्ना हजारे ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार बियर बार खोलती है, शराब की दुकान खोलती है, ट्रेन चल रही है, आज राजनीतिक पक्ष के इतने बड़े बड़े मेले लग रहे हैं, यानी राजनीतिक जनसभाएं हो रही हैं, इसके लिए महाराष्ट्र में कोरोना नहीं है, सिर्फ मंदिरों के लिए महाराष्ट्र में कोरोना है, ये सवाल उनकी तरफ से उठाया गया है। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में जिस तरीके से मंदिरों को नहीं खोला जा रहा है, सावन का पवित्र महीना बीत गया, उसके बाद आज जन्माष्टमी का उत्सव है, उसके बाद गणेश उत्सव जो कि महाराष्ट्र में बेहद भव्य तरीके से मनाया जाता है, उस पर भी अब गाइडलाइन जो है महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। सिद्धि विनायक मंदिर से लेकर शिरडी मंदिर और तमाम जो ज्योतिर्लिंग है वो महाराष्ट्र में मौजूद हैं, लेकिन उनके कपाट नहीं खोले जा रहे हैं और यही वजह है कि लगातार गुस्सा और नाराजगी बीजेपी और बीजेपी स्पिरिचुअल विंग जो है उसकी बढ़ती दिखाई दे रही है और उन्होंने अब महाराष्ट्र में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। मांग लगातार उनकी तरफ से की जा रही है कि महाराष्ट्र में मंदिरों को खोला जाए। यहां तक बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार हिंदू विरोधी हो चुकी है, वो महाराष्ट्र को बंगाल बनाना चाहती है, ये तमाम बड़े आरोप बीजेपी की ओर से लगातार लगाए जा रहे हैं और सवाल उठना लाजमी है क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार ने ईद के लिए, मुहर्रम के लिए कोई गाइडलाइन नहीं निकाली थी, कोई गाइडलाइन तय नहीं की गई थी, लेकिन चूंकि गणेश महोत्सव है उसके लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, तो वहीं सिद्धि विनायक जैसे मंदिरों को खोलने पर भी आपत्ति जाहिर की है। यही वजह है कि लगातार अब बीजेपी भी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर हो गई है। तो आपको बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता हैं अन्ना हजारे, लेकिन जाहिर तौर पर मंदिरों को खोला जाए और ये मांग उनकी तरफ से भी की गई है। उद्धव ठाकरे सरकार को 10 दिन की मोहलत उनकी ओर से दी गई है। उन्होंने कहा है कि अगर अगले 10 दिनों में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार ने मंदिर खोलने पर फैसला नहीं लिया तो वो अब मंदिर शुरू करने के लिए, यानी मंदिरों को खुलवाने के लिए आंदोलन शुरू करेंगे।
तो सवालों में लगातार अब उद्धव ठाकरे सरकार घिरी हुई है और सवाल ये भी है कि दरअसल अगर ट्रेनों को खोलने के लिए गाइडलाइन तय की गई है, अगर कुछ प्रतिबंधों के साथ ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लोकल ट्रेन चलाई जा रही हैं, अगर बार और रेस्टोरेंट चलाए जा रहे हैं जिनसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार उगाही का काम करती है, तो फिर मंदिरों को खोलने में क्या दिक्कत है? धार्मिक स्थलों को भी खोला जाए, उनके लिए भी गाइडलाइन तय की जाए और गाइडलाइन तय करने के साथ ही मंदिरों के कपाट खुलने चाहिए, ये मांग लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। तो अब महाराष्ट्र में मुश्किलें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी सरकार की बढ़ रही हैं, क्योंकि एक तरफ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने यह चेतावनी जारी कर दी है कि 10 दिनों के अंदर महाराष्ट्र में तमाम मंदिरों के कपाट खोले जाएं ताकि जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो दर्शन कर पाए, क्योंकि जाहिर तौर पर त्योहार लगातार आ रहे हैं, जन्माष्टमी से लेकर गणेश उत्सव जो कि महाराष्ट्र में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बीच मंदिरों को बंद करके आखिर महाराष्ट्र सरकार क्या संदेश देना चाहती है, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और यही वजह है कि अब बीजेपी की ओर से महाराष्ट्र में शंखनाद आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें बीजेपी जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल और साथ ही बीजेपी नेता रामकरण की ओर से इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा है। मुंबई सहित नासिक, नागपुर, पंढरपुर, पुणे, औरंगाबाद और शिरडी जैसे अलग अलग स्थानों पर के लगातार जो विरोध प्रदर्शन है ये बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर शंखनाद करते हुए ये मांग की जा रही है कि मंदिरों को खोला जाए। उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि दरअसल जिस तरीके से राजनीतिक सभाएं महाराष्ट्र में हो रही हैं उससे महाराष्ट्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, होटल, मॉल्स और रेस्टोरेंट लगातार खुल रहे हैं उससे महाराष्ट्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, वहां कोविड की धज्जियां जिस तरीके से उड़ाई जा रही हैं वो उद्धव ठाकरे सरकार को नहीं दिख रही है, तो फिर आखिर मंदिरों को और धार्मिक स्थलों को खोलने में इतनी परेशानी क्यों है? उद्धव ठाकरे सरकार हिंदू विरोधी हो चुकी है, हिंदू धर्म महाराष्ट्र में खतरे में है, ये भी महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की ओर से हाल ही में कहा गया था। उन्होंने कहा था कि अगर इस तरीके की हरकत उद्धव ठाकरे सरकार की नहीं रोकी गई तो धीरे धीरे उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में त्योहारों को खत्म कर देगी, ये भी उनकी तरफ से टिप्पणी की गई थी। लेकिन आपको ये बता दें कि जिस तरीके से इस आंदोलन की शुरुआत बीजेपी की ओर से की गई है, इस बीच बीजेपी नेताओं को हिरासत में लेने का सिलसिला भी उद्धव ठाकरे सरकार ने शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता सुधीर मुंगटीवार को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा राम कदम जो कि बीजेपी के नेता हैं, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, जब उन्होंने सिद्धि विनायक मंदिर की ओर जाने की कोशिश की तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तो इस तरीके की गुंडागर्दी भी महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, जहां मंदिरों को खोलने की मांग बीजेपी शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन कर रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार बीजेपी के नेताओं पर इस तरीके से शिकंजा कस रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्यों महाराष्ट्र को बंगाल बनाने की यह कोशिश हो रही है, जब तमाम राज्यों में मंदिरों के कपाट खुल चुके हैं, जो भक्त हैं वो मंदिर जाकर दर्शन कर रहे हैं, तो फिर उद्धव ठाकरे सरकार को खासतौर पर हिंदुओं के जो त्योहार हैं उनसे इतनी दिक्कत क्यों है? क्योंकि जब ईद थी, मुहर्रम था, तब कोई गाइडलाइन उद्धव ठाकरे सरकार ने जारी नहीं की, लेकिन अब चूंकि गणेश महोत्सव है और इसलिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से गणेश उत्सव को लेकर ये गाइडलाइन तय की गई है, जिसको लेकर लगातार गुस्सा और जो नाराजगी है वो ना सिर्फ बीजेपी और सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने जाहिर की है, बल्कि आपको बता दें जो साधु संत हैं, जो अलग अलग स्पिरिचुअल विंग के जो तमाम साधु हैं उनकी तरफ से भी कड़ी नाराजगी इसको लेकर जाहिर की गई थी। और एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि दरअसल जिस तरीके से मंदिरों को बंद किया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो मंदिर हैं, फिर चाहे वो सिद्धि विनायक मंदिर हो या शिरडी मंदिर हो, इसके अलावा 4 ज्योतिर्लिंग जो है वो महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में है, और कहीं ना कहीं ये जो तमाम मंदिर हैं ये
कितने ही लोगों को रोजगार भी देते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार इस मंदिरों को बंद करके इनके कपाट जिस तरीके से बीते कई महीनों से बंद कर रखे हैं, लोगों का रोजगार भी छीन रही है। और यही वजह है कि लगातार जो मांग है अब बीजेपी ने पुरजोर तरीके से शुरू कर दी है, शंखनाद आंदोलन की शुरुआत की है। और ये उनकी तरफ से कहा गया है कि जब तक उद्धव ठाकरे सरकार मंदिरों को नहीं खोलेगी वो इस तरीके से ही आंदोलन करते रहेंगे और उद्धव ठाकरे सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि कोविड का बहाना लेकर इस तरीके से जो धार्मिक कहीं ना कहीं भावनाएं हैं लोगों की, उसे ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता। आपको बता दें ना सिर्फ मंदिर बल्कि गुरुद्वारों को भी बंद किया हुआ है, मस्जिदों को भी बंद किया हुआ है। लेकिन किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार क्या संदेश देना चाहती है, यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ। और आपको बता दें जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है उसको लेकर संजय राउत की बौखलाहट भी सामने आई है। संजय राउत ये कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी शासित प्रदेशों में भी मंदिर बंद है, वहां मंदिर बंद रहना चलता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसको लेकर आंदोलन किया जा रहा है। आपको बता दें मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और ज्यादातर राज्यों के सभी मंदिर जो है उन्हें खोल दिए गए हैं। फिर भले ही कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए मंदिरों को खोला गया हो, लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिरों को खोल दिया गया है। लेकिन एकमात्र उद्धव ठाकरे सरकार ऐसी है जो कहीं ना कहीं जिसकी जो विचारधारा थी, जिसकी जो छवि थी पार्टी की शिवसेना की, वो हिंदुत्व की छवि थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं वही शिवसेना पूरी तरीके से बदल चुकी है। और आज उनके ही नेतृत्व में, उनकी ही सत्ता में महाराष्ट्र में अब हिंदुत्व जो है वो खतरे में नजर आ रहा है, ये बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है। तो फिलहाल मंदिरों को खोलने के लिए बीजेपी ने अपना शंखनाद आंदोलन की शुरुआत कर दी है। तो वहीं अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।